नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों में शुरुआत करेंगे पहले दिन की ताजा तरीन सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में बोले, भारत में हम बना रहे हैं 7 करोड़ घर, इससे पहले बना चुके हैं 4 करोड़। कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता ने मीटिंग के लिए 5वीं बार डॉक्टर्स को बुलाया। ममता बोली, आखिरी मौका, लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग नहीं होगी। कर्नाटक के मंगलुरु में वीएचपी और बजरंग दल का किया प्रदर्शन। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुई नाराजगी, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, आरएएफ के जवान किए गए तैनात। अमित शाह की आज जम्मू कश्मीर में चुनावी सभाएं, पंडेर, किश्तवाड़ और रामबन में रैली करेंगे। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में पहले फेज की होगी वोटिंग। मणिपुर सरकार ने 5 हिंसा प्रभावित जिलों में मोबाइल इंटरनेट बैन किया। मणिपुर के गृह सचिव ने दी जानकारी, 20 सितंबर तक मोबाइल इंटरनेट नहीं चला सकेंगे लोग। हिमाचल में मस्जिद विवाद में व्यापारियों में हुई झड़प, नारे लगे, सोलन में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, बाजार बंद का किया गया आह्वान। हरियाणा में सिरसा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रोहताश जांगड़ा ने नामांकन वापस लिया। लोकहित पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कांडा को दिया समर्थन। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई का आदमपुर में जनता ने किया विरोध, लोगों के साथ तीखी हुई नोकझोंक, रिकॉर्डिंग कर रहे लोगों का कुलदीप के समर्थकों ने छीना मोबाइल। मुंबई में गणपति कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने पर बीजेपी विधायक नितेश राणे पर हुआ केस दर्ज। यूपी के प्रयागराज में प्रेमी ने होटल में गर्लफ्रेंड को बुलाकर कर दी हत्या। दोनों के बीच किसी बात को लेकर हुई थी कहासुनी। वारदात के बाद आरोपी ने पुलिस को खुद दी जानकारी। बात करें मौसम की तो भोपाल, जबलपुर समेत एमपी के 38 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी। यूपी में बारिश के बाद खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा, 4 नदियां उफान पर, 190 गांव बाढ़ की चपेट में। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और ताजा खबरों की। सिरसा में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बीच भाजपा ने पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को समर्थन दे दिया है। बता दें, इसके बाद भाजपा के प्रत्याशी रोहताश जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। दरअसल सोमवार की सुबह से ही इस बात की सुख बुगाहट चल रही थी। गुप्त रूप से भाजपा की मीटिंग भी चली, लेकिन मीटिंग के बाद रोहताश जांगड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन वापस लिया। अब प्रदेश में भाजपा के 89 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। रोहताश जांगड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हाईकमान के आदेशों पर उन्होंने नामांकन वापस लिया है। समर्थन किस नेता को देंगे, फिलहाल जांगड़ा इस सवाल को टाल गए। हालांकि माना जा रहा है कि रोहताश जांगड़ा का समर्थन हलोपा के प्रत्याशी गोपाल कांडा को ही जाएगा, क्योंकि हलोपा पार्टी प्रदेश में भाजपा का घटक दल रही है। जेल से बाहर आने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा में इमोशनल कार्ड खेलने की तैयारी में है। दरअसल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हरियाणा में प्रचार को धार देंगे। और आपको ये भी बता दें कि मूल रूप से हरियाणा निवासी होने के नाते वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। बता दें, आबकारी नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़कर अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर फोकस करेंगे। वहीं रणनीति के तहत केजरीवाल यहां इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं। एक तो केजरीवाल मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, तो दूसरी ओर जेल में रहने के बाद सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद वह मतदाताओं की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश भी करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने की सूरत में इस बार आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर आप नेताओं ने प्रचार तेज कर दिया है। हालांकि जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन नहीं होने के चलते आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव इतना आसान नहीं है, लेकिन केजरीवाल के बाहर आने के बाद आप नेता और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साहिता देखी गई। हरियाणा में हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा के गांव कुतियावाली में प्रचार के दौरान कुलदीप बिश्नोई और विधायक बेटे भव्य बिश्नोई का जमकर विरोध किया गया। दरअसल विरोध के दौरान धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई और बहसबाजी के दौरान गांव के लड़कों ने भव्य बिश्नोई के साथ गर्मा गर्मी की बात हाथापाई तक पहुंच गई। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो बनाने पर बिश्नोई के समर्थकों के गांव के एक लड़के का फोन तक तोड़ दिया गया। वहीं दरअसल गांव के गुस्साए लोगों ने भव्य बिश्नोई पर गांव की अपेक्षा करने का आरोप लगाया और कहा कि यहां पर कोई काम नहीं हुआ।
साथ ही ये भी आरोप लगाए कि बिश्नोई परिवार ने गांव के साथ सौतेला व्यवहार किया है। जब विधायक से शिकायत की गई तो भड़क गए। वहीं इस मामले के बाद प्रशासन एक्टिव हो गया है और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने एसपी ने पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही उन्होंने आदमपुर में विशेष निगरानी करने के आदेश भी दिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बाद अब भाजपा में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान मच गया है। दरअसल भाजपा हाईकमान पहले ही सैनी को सीएम चेहरा घोषित कर चुके हैं। आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज द्वारा मुख्यमंत्री पद का दावा जताने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। इससे पहले 2014 और 2019 के चुनाव में विज सीएम पद की दौड़ में शामिल रहे थे, लेकिन हाईकमान ने उनके नाम पर मोहर ना लगाकर मनोहर लाल को कमान सौंपी थी। दरअसल अब खुलकर सीएम पद पर दावा जताकर विज ने बड़ा सियासी दांव खेला है। हालांकि राजनीतिक लोगों का मानना है कि यह दावा सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है, क्योंकि लगातार विधायक बनने के चलते यहां पर एंटी कन्वेंसी है, इसका तोड़ निकालने के लिए यह दावा किया गया है। वहीं भाजपा हाईकमान पहले से ही मुख्यमंत्री नायब सैनी को सीएम पद का चेहरा घोषित कर चुके हैं। बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में हुए भाजपा के सम्मेलन में इसका ऐलान किया था। इसके बावजूद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मुख्यमंत्री पद को लेकर इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन हाईकमान ने इनको कभी गंभीरता से नहीं लिया। अब विज के बयान के बाद से राजनीतिक घमासान मच गया है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।